सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री सीटर व गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो अभी हाईलाइट चल रहा है मीडिया में, उसको फॉलो करने वाले अपराधी दीपक उर्फ दीपसा जो कि क्लॉक टावर एरिया का रहने वाला है, एक सामू डांगोरिया उसको जेल से लेके आया था वो, और वहाँ पे उसने रील बनाई थी, रील बना के उसने सोशल मीडिया पर डाली ताकि उसकी फॉलोइंग बढ़े। साथ ही उसने लॉरेंस बिश्नोई की फ़ोटो और उसकी आईडी को उसने फॉलो कर रखा है और स्टेटस पे वो उसकी बार बार डीपी का काम में रहता है और सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से और खुद के नाम से फोटो डालता रहता है। इससे लोगों में भय व्याप्त और उसका नाम चले उसकी सोच ये है। आपराधिक गैंग के रूप में सक्रिय लोगों के अकाउंट के माध्यम से फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसने जेल से छूटते हुए सामू के साथ में रील बनाई, रील बना के सोशल मीडिया पर डाली। कैसे पकड़ा इसको? एक टीम का गठन किया गया था जिसमें सीआई साहब अरविंद चारण, पुसाराम जी हेड कांस्टेबल, किशोर कुमार और मोहन सिंह थे। मोहन सिंह और किशोर जी को सूचना मिली थी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई रील डली है, तो उसको अपने घर से उठा के लाए। लाने के बाद में दीपक रूपदीप सा, पिताजी का नाम सत्यनारायण है, उम्र 24 साल है, जाति हरिजन है, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर है। इसको अंतर्गत धारा 126, 135 क्लोज 3 और 170 BNS में अरेस्ट किया गया है। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि शहर के युवाओं में जिस तरह से गैंगस्टर और अपराधियों में की छवि बन रही है वह काफ़ी चिंताजनक है। वे लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं, साथ ही गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन की फोटो पोस्ट कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो गंभीर घटनाओं में शामिल है। ऐसे युवक व युवतियाँ जो कि इन्हें फॉलो और लाइक कर रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अपराधियों के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पर टिप्पणी करने वाले लोगों की जांच कर रही है और उन्हें फॉलो करने वालों की पहचान करके साइबर टीम के जरिए बराबर नज़र बनाए हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम जगमाल दाई में ASI थाना कृष्णगंज।